वाघो बॉर्डर से जो तस्वीरें मिल रही है, दरअसल उसकी तैयारियां इतने लेयर्स किस लिए है, क्योंकि 2021 में जो एक्सपीरियंस रहा है, जो तजुर्बा पुलिस कर रहा है, उसके आधार पर ये एक्शन वहां पे हो रहा है। लेकिन मैं सीधे आपको उस जगह लिए चलती हूँ जो इस वक्त का सेंटर पॉइंट बना हुआ है, यानी शंभू बॉर्डर। मानव मेरे सहयोगी वहां पे बने हुए, मानव वो जगह इस तरीके से बना हुआ है कि हर सूरत में किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली कूच करें, लेकिन पुलिस, अर्धसैनिक बल ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़े। फिलहाल क्या टकराव की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बार फिर से टीयर गैस यानी आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, किसानों के व्यवहार में जो बदलाव है, कल हमने देखा कि जब ड्रोन से आंसू गैस छोड़ा जा रहा था तो पत्थरबाजी की जा रही थी। आज किसान नेताओं की तरफ से अपील की जा रही है कि आपको कोई पत्थरबाजी नहीं करनी, और अगर आपको लगता है कि आपके बीच कोई किसान के रूप में आके माहौल खराब कर रहा है तो आप उनको हमारे तक लेकर आइए। इस तरीके से लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किसान नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो टोल प्लाजा है, शंभू टोल प्लाजा, वो अब पूरी तरीके से एक तरीके से किसान वहां तक पहुंच चुके हैं। और युगल जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये उस जगह की है जहां पर अभी से थोड़ी देर पहले ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, क्योंकि पुलिस को अभी लगता है कि किसान काफी आगे बढ़ रहे हैं, उनको रुकना चाहिए, इसलिए उन पर लगातार सुबह से ही कल देर रात उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और एक बार फिर से हरियाणा पुलिस की तरफ से उन पर अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये भी एक तरीके से अपने लोगों से, जो किसान है, उनसे अपील की जा रही है कि आपको संयम बरतना है, आपको पत्थरबाजी नहीं करनी है, आपको जो गलतियां जो आपने कल की थी उससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है, उसको नहीं दोहराना है। और कोई भी अगर आपके बीच कोई माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है तो जहां से अनाउंसमेंट हो रहा है आप उसको वहां पर लेके आइए। तो ये अपील भी किसान साथियों से किसान नेता यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा पुलिस जिस मुस्तैदी के साथ इस बॉर्डर पर टिकी हुई है वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। जैसे ही किसानों का कोई झुंड आगे की तरफ कूच करता है, एक चेतावनी वहां से दी जाती है, और चेतावनी के साथ ही ड्रोन ऊपर हवा में उठता है, और उठने के साथ ही एक टियर शेल नीचे छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरीके से लगातार 24 घंटे से ज्यादा का समय अब इस शंभू बॉर्डर पर हो चुका है, जहां पर किसानों के बीच और हरियाणा पुलिस के बीच लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा पुलिस जो किसी भी हाल में किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, तो वही किसान भी अड़े हुए हैं कि उनको हर हाल में दिल्ली कूच करना है। सीमा, बिल्कुल। तो मानव तस्वीरें दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जहां टकराव की स्थिति है। लेकिन आपको सिंघू बॉर्डर एक बार फिर लिए चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी जसप्रीत कौर मौजूद हैं। जसप्रीत, क्या तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही है, वहां पर किस तरीके की हलचल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? पूजा, बिल्कुल, जैसा कि हमने शंभू बॉर्डर में देखा वहां पर तो स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन यहां पर अभी तो हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, लेकिन यहां पर चप्पे चप्पे पर इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। पूरे इलाके की किलेबंदी की गई है। आप देखेंगे ये यहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू हरियाणा, यहां से ये बॉर्डर की शुरुआत, यानी कि अब ये दिल्ली यहां पर खत्म, वहां से हरियाणा। अगर वहां से किसान आते हैं तो उधर बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंट के ब्लॉक्स है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विकास, अब हम इस तरफ से शुरू करते हैं। आप देखेंगे इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहां पर आरएएफ के जवान तैनात हैं। ये आप देखिए कि कितनी लेयर्स में यहां पर सुरक्षा है। आरएएफ के जवान मौजूद हैं, इनके पास रेस्पिरेटर्स भी है कि अगर टियर गैस का इस्तेमाल होता है तो फिर वहां पर ये अपनी सुरक्षा कर सके। अब हम थोड़े और आगे आते हैं, ये सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, और ये आप देखेंगे ये गीला कंक्रीट है। ये इस तरीके से इसलिए लगाया जा रहा है इन ब्लॉक्स के बीच में, क्योंकि अगर ट्रैक्टर होते हैं या ऐसा उनके पास सामान है जैसा कि जो किसानों की आड़ में उपद्रवी मौजूद हैं, वो अगर यहां पर इनको उखाड़ने की कोशिश करें तो ये इसमें जम जाएं, आसान ना हो उनके लिए ऐसा करना। विकास, आप थोड़े आगे आइए, अब इधर आप आइए। इस तरीके से गीले ये यहाँ पर कंक्रीट यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर भी आरएएफ की तैनाती है। अगर यहाँ तक किसान आ भी जाएं तो आगे का सफर आसान नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कंटीले तार मौजूद है। अब इधर ये तो रोड के ये फ्लाईओवर है, ये भी फ्लाईओवर है। अब इस तरफ हम आपको दिखाते हैं, ये हाइड्रा मशीन है। कैसे देखिए, इतनी सुरक्षा के बावजूद यहाँ पर किलेबंदी और तगड़ी की जा रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। हाइड्रा मशीन्स को आप देखिए कैसे ब्लॉक्स को ये यहाँ पर रख रही हैं, और ये सुबह से काम हो रहा है, यानी कि अधिकारी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। हम आगे बढ़ते जाएंगे जहां तक कैमरा जाता जाएगा, जहां तक मेरे सहयोगी विकास ठाकुर ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे। आप देखिए ये बैरिकेडिंग, आप देखिए ऊपर कंटीले तार, नीचे बैरिकेडिंग, दिल्ली पुलिस इसमें लिखा हुआ है। ये दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है, इसके अलावा आरएएफ की तैनाती यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ये सीमेंट के ब्लॉक्स है, ये रेस्पिरेटर्स होते हैं, तो ये रेस्पिरेटर्स इसलिए हैं ताकि ये अपनी सुरक्षा कर पाएं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे जवान मौजूद हैं, यहाँ पर छुट्टियाँ
कईयों की कैंसिल की गई है, महिला टुकड़ी भी मौजूद है। सुबह हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी, अब ये राइड कंट्रोल व्हीकल आप देख लीजिए, दंगा रोधक दस्ता, यानी कि यहाँ पर ये टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ से होगा और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। विकास, सीसीटीवी भी आपको दिखाएंगे, उसके जरिए मॉनिटरिंग हो रही है। ये जो सीसीटीवी कैमरा इस व्हीकल में लगा हुआ है, इसके जरिए पूरी निगरानी रखी जा रही है और अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट मिल रही है। सुबह से हम लोग सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि अधिकारी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। इसके पीछे ये जो वाहन है, इसके पीछे अगर आप देखेंगे, वज्र वाहन इसे बोलते हैं, वो बोरे रखे गए हैं, वो सीमेंट के बोरे हैं, उसके अंदर मिट्टी और भरी जा रही है ताकि अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है, कानून को हाथ में लेते हैं उपद्रवी तत्व, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, ये तो किसानों की आवाज बनकर के माहौल को खराब करना चाहते हैं। लेकिन आपको याद होगा पूजा, जिस वक्त किसान आंदोलन था, जब कृषि कानूनों को वापस लेने का मुद्दा था, तो यहीं पर जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहीं पर किसानों ने डेरा डाला हुआ था, मंच यहीं पर बनाया हुआ था। लेकिन कोशिश आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पर तैयारी पुख्ता है कि किसान यहाँ तक ना पहुंच पाए और जो भी उनको बातचीत करनी है संवाद के जरिए हो। विकास, थोड़ा पीछे आप आइए, यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी बैठे हुए हैं, कुछ एक्टिव मोड में है। आगे अगर हम दिखाते हैं, ये ब्लॉक्स आप देख लीजिए, दोनों तरफ ये हाईवे है, एक तरफ दिल्ली को रास्ता जा रहा है, उस तरफ से हरियाणा को जा रहा है। अगर आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, बहुत जरूरी है तो ही घरों से निकले, नहीं तो अपना दौरा रद्द कर दें। ये हम ग्राउंड पे होकर के आपको कह सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा अपने सामान के साथ, अगर मंजिल तक पहुंचना है। अब थोड़ा आगे हम आ रहे हैं, ये मजदूर लगे हुए हैं, ये दिखाइए ये किस तरीके से मिट्टी यहाँ पर कंटेनर्स में भर रहे हैं। ये आज की सबसे अहम तस्वीर हो जाती है। वैसे तो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, किसानों से संवाद होता है, वो नहीं मानते हैं, तो फिर कैसी तैयारी है। आगे आप देखिए, आगे हम जाते जाएंगे, ये आरएएफ के जवान मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस की व्हीकल्स है कि अगर हिरासत में लिया जाए उपद्रवियों को, ऐसी स्थिति बनती है जो कि ना के बराबर लग रही है, क्योंकि पूरी किलेबंदी की गई है, अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे निपटा जाए। उधर भी बैरिकेटिंग है, उस तरफ आगे हम जाते हैं, आप देखिए जेसीबी हैं, हाइड्रा मशीन्स हैं, ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। तो ये इस वक्त ग्राउंड से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखेंगे कि ये जो पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें, बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन को बाधित ना करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान ना हो, एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूँ कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सर, आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है, तो यहाँ राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई, लगता है ऐसे माहौल में शांति हो पाएगा। देखे, मैं किसान संगठनों को यही कहूंगा, किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। अगली बैठक कब होगी सर? अगली बैठक कोई बताएंगे।